नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये बैग बनाने का आसान सा तरीका। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल हैंडल है और बीच में हमने यहाँ पे जिप लगाई है। ऊपर की साइड भी बेस रहेगा इस तरीके से और नीचे भी हमारा यहाँ पे बेस बनेगा। तो पूरा बैग जो है दोस्तों काफ़ी खुल्ला डुल्ला रहेगा और इसमें काफ़ी आपका सामान आ जाएगा। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों जो आपने बैग देखा है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये पीस लिया है। इसका साइज हमारा इस तरीके से देखेंगे 20 1/2 होगा और इस तरीके से देखेंगे 15 1/2 होगा। तो 15.5 बाई हम 20.5 का हमारे पास ये पीस है जो कि हमने यहाँ पे कोल्ट वर्क किया हुआ है। नीचे की साइड हमने कपड़ा रखा हुआ है अस्तर का, बीच में हमने यहाँ पे रबड़ सीट ली हुई है और ऊपर मेन फैब्रिक होगा। तो इस तरीके से ये पीस हमने यहाँ पे कोल्टिंग किया हुआ है। आप देख रहे होंगे ऐसे भी हमने सिलाई लगाई हुई है और ऐसे भी हमने यहाँ पे सिलाई लगाई हुई है। इसके बाद यहाँ पे हमें इसमें करनी है कटिंग। कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करेंगे, ऐसे डबल कर लेंगे। और डबल करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस तरीके से इस साइड से हम लेंगे 1.5 इंच और इस साइड से लेंगे 1 इंच, ऐसे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। सेम ऐसा ही निशान हम इस साइड में लगा लेंगे, ऐसे 1.5 इंच और ऐसे हम 1 इंच। ये देखिए इधर भी निशान लगा लिया है। तो अब हमें यहाँ पे कटिंग कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे नीचे की साइड कटिंग की है सेम ऐसे ही हम यहाँ पे ऊपर की साइड भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने कटिंग कर ली है, हमारा पीस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये देखिए बहुत आसान सा तरीका है बैग बनाने का। इसके बाद हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाएंगे। जैसे ये 12 इंच है तो हम यहाँ पे 6 पे निशान लगाएंगे ऐसे, और इस साइड से इस निशान को यहाँ पे 2 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पे हमें हैंडल के लिए ये निशान लगाना होता है। तो यहाँ पे हैंडल का जो गैप रखेंगे 2 इंच इधर और इस सेंटर से 2 इंच इधर, यहाँ पे सीधा निशान ऐसे लगा लेंगे। तो इस पॉइंट पे हमारा यहाँ पे ये हैंडल आएगा। तो दो हमने यहाँ पे हैंडल बनाए हुए हैं इस तरीके के जो कि हमें यहाँ पे ऐसे अटैच करने हैं, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। इससे ऊपर की साइड आपकी सिलाई नहीं जानी चाहिए, नीचे नीचे हमने ये हैंडल कंप्लीट करना है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड में हैंडल लगाना है और साथ ही हमने इस पॉइंट पे लगाने के लिए यहाँ पे ये जिप ली हुई है, ये जिप भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो दोस्तों स्टिचिंग के लिए आ चुके हैं हम मशीन पे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ हमें ये हैंडल अटैच करना है। निशान से नीचे की साइड हमें सिलाई लगानी है, ऐसा पक्का करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पक्का कर लेंगे ऐसे फोल्ड करते हुए। देखिए एक साइड हमने यहाँ पे हैंडल अटैच कर लिया है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में यहाँ पे ये हैंडल अटैच कर लेंगे। दोनों साइड के हैंडल लगाने के बाद इसके बाद हमें यहाँ पे जिप अटैच करनी है। तो जो जिप है हमारे पास, जो रनर है, ये हम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग जिप अटैच करनी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से जिप को ओपन कर लेंगे तो आपको सहूलियत रहेगी यहाँ पे जिप अटैच करने में। और यहाँ पे इस तरीके से जिप लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। तो ये एक साइड में हमारी जिप लग चुकी है। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी यहाँ पे जिप लगाएंगे। तो ये देखिए जिप हमने यहाँ पे लगा ली है दोनों साइड में। इसके बाद हमें एक रनर इधर से डालना है, दूसरा हमें इधर से डालना है। तो ये देखिए रनर जो है हमने यहाँ पे दोनों साइड से डाल लिए हैं। इसके बाद हम बैग को यहाँ पे पलट लेंगे।
बैक को पलटने के बाद अब हमें यहाँ पे साइडों की सिलाई लगानी है। तो साइडों का यहाँ पे हम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से साइडों से स्टिच करेंगे। अब हमें फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे एक पट्टी लेनी है तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई वाली। यहाँ पे इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे ऐसे इसको तैयार करेंगे और ऊपर से लगा देंगे सिलाई। जैसे हमने इस साइड को तैयार किया है सेम वैसे ही हम यहाँ पे दूसरी साइड जो होगी इसको भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड हमने यहाँ पे फिनिशिंग दे दी है और फिनिशिंग देने के बाद अब हम ऊपर और नीचे का बेस तैयार करते हैं। तो यहाँ पे बेस तैयार करने के लिए हमने इस तरीके से यहाँ पे होल्ड लगाना है ऐसे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम इधर ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी हमने इस तरीके से सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है एक इस तरीके की पट्टी बना लेनी है और यहाँ पे इसको डबल करना है और जिप के सेंटर पॉइंट में रखनी है ऐसे। तो इससे हमारी जिप की मजबूती हो जाती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है और इसको पकड़ के आप जिप को ओपन कर सकते हो बंद कर सकते हो। तो ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पे दोनों साइड स्टिच कर ली है तो नीचे का भी हमारा बेस बन जाता है और ऊपर का भी यहाँ पे जिप वाले पॉइंट का। सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड में स्टिचिंग कर ली है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे फिनिशिंग देना चाहें तो इस तरीके की पट्टी लगा सकते हैं। वैसे इसमें इतने धागे नहीं निकलते क्योंकि छोटा एरिया है तो वो आपकी इच्छा है। अगर यहाँ पे फिनिशिंग देना चाहें तो यहाँ पे भी आप फिनिशिंग दे सकते हो और बाद में हम लास्ट में क्या करेंगे यहाँ से इस पॉइंट से जिप को ओपन कर देंगे ऐसे ओपन कर देंगे और बैक को कर लेंगे सीधा। तो ये देखिए फ्रेंड्स सीधा हमने बैग को कर लिया है और पूरा बैग आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी हमारी फिनिशिंग आई है। बैग हो गया है हमारा तैयार। ये देखिए बेस हमारा ऊपर नीचे का साइडों का बिल्कुल बराबर रहेगा और बेस का ही इसका ये मतलब है कि इसमें सामान आपका काफ़ी आ जाता है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही सुंदर सी प्यारी से एक बैग बना सकते हो कोई भी जो बचे हुए कपड़े होते हैं उसी को यूज करते हुए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।